आज फ्राइडे है और फ्राइडे का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठने का ना ये फायदा होता है कि आपको ना बहुत ये चाय ना भाई दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता। मैं बेट लगा सकती हूँ इस चीज में। मतलब फ्राइडे स्पेशल बिरयानी बनाने वाली हूँ आज। मतलब मेरी यूट्यूब की जर्नी का बहुत ही रेयर ओकेजन है, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। ये ऐसा इंसिडेंट मेरी यूट्यूब जर्नी में पहली बार हुआ है, तो इस वीडियो को ना बिल्कुल भी मिस मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर येट अनदर वीडियो। तो जी, दिन की शुरुआत हो गई थी ये ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है। इससे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक, आज मैंने सिर्फ पानी पिया था, मुझे और कुछ पीने का कोई ड्रिंक लेने का मन नहीं था, तो सिंपल दो ग्लास पानी मैंने पी लिया था। और उसके बाद मैंने बनाया ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड ऑमलेट, ठीक है। तो एग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे डाइट में, तो एग्स भी मैंने बनाए, मतलब आज मैंने ऑमलेट बनाया। ऑमलेट सिंपल सा बनाती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है ऑमलेट में, सिर्फ ब्लैक पेपर, नमक और प्याज और ये सारी चीज़ें डाल के बस, और कोई वेजिटेबल नहीं डालती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर शुरू हो गई थी मेरी आज दिन की सफाई, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरा ना बहुत अच्छे से जाता है। स्पेशल क्लीनिंग होएगी, बेडशीट चेंज कर दूँगी मैं, और ये सारी चीज़ें मतलब मैं करती हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन स्पेशली मुझे ये सारी चीज़ें करना पसंद है। ओ मम्मी अपने ब्लॉग से खेल रही है, बहुत प्यारा बना रही हो। अच्छा ठीक है, आप बना लो, बहुत प्यारा बना लो, ठीक है। उल्टी आ गई, कैसे आ गई उट्टू, उट्टू कैसे आ गई। चलो आज पूरी क्लीनिंग करनी है, आज फ्राइडे है ना। आ रहा हूँ, चलो आ रही हूँ ना। तो यहाँ पर गाइस चल रही है मेरा क्लीनिंग, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी मैं अच्छे से, और पूरी मतलब कोने कोने की सफाई कर लेती हूँ मैं फ्राइडे के दिन। वैसे इससे पहले ही थर्सडे वेडनेसडे को भी करती हूँ, ताकि मुझे फ्राइडे के दिन ना बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइडे के दिन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हाउस होल्ड वर्क्स में, तो फिर हम इबादत के लिए बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाए। लेकिन आज मुझे अपना बाथरूम क्लीन करना था, तो ये बाथरूम की वीडियो मैंने क्यों बना ली ना क्लीनिंग करते हुए, मतलब मैं सोच रही थी कि चलो बना ही लेती हूँ, अक्षय कुमार तक वीडियो डाल सकता है वॉशरूम साफ़ करने की, तो हम क्यों नहीं डाल सकते। तो मैंने भी ऐसी बस जस्ट फन के लिए बना लिया ये वीडियो। और क्लीनिंग हुई, क्लीनिंग के बाद फिर जाता है बाथिंग के सेक्शन, मतलब मैं नहाऊंगी, गुसल करूंगी। और स्पेशली फ्राइडे के दिन, कितना फंबल कर रही हूँ मैं, स्पेशली फ्राइडे के दिन ना गुसल करना वो मैंडेटरी होता है। और ये जो आपको दिख रहा है नेल्स कटिंग या ट्रिमिंग कह लीजिए, ये भी फ्राइडे के दिन जो है वो मैंडेटरी होता है, तो ये ज़रूरी होता है आप अपने नेल्स को कट करें या ट्रिम करें। बेसिकली आपको पूरा क्लीनिंग, आप कह लीजिए वीकली क्लीनिंग रूटीन कह लीजिए आप इसको, तो स्पेशली फ्राइडे के दिन हम लोग ये सब करते हैं। नेल जिनको कट करना है तो कट करते हैं, ट्रिम करना है तो ट्रिम करेंगे, लेकिन ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो मैं तो पूरे कट करूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है, तो उसको कहीं लग जाते हैं या कुछ भी है तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, इसलिए जब से वो पैदा हुई है तो मैंने तो अपने नेल्स बिल्कुल ही मैं कट करके रख हूँ। और अच्छी तरह से मैं इनको ना फोल्ड वगैरह करके भी डिस्पोज करने का भी एक प्रॉपर मेथड है, वो भी मतलब प्रॉपरली इनको डिस्पोज करते हैं हम। और फिर उसके बाद आ जाओ, यहाँ मम्मी ने नहीं नहीं कर ली है ना, आ जाओ हम बाहर थोड़ा सा वॉक करते हैं, साइकिल ले, बस ऐसी वॉक करेंगे। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना, ये देखो ऊपर दिखाती हूँ, इसमें देखे क्लाउड दिख रहा है आपको, क्लाउड बारिश का पानी, मतलब बारिश होने वाली है, क्लाउड से देख के ऐसा लग रहा है। और मम्मी ने आज कौन सी फ्रॉक पहनी है, बटरफ्लाई फ्रॉक पहनी है और बटरफ्लाई क्लिप भी लगाई है ना। चलो, और यहाँ पर मैं और मम्मी हम दोनों नहा लिए हैं, और हम थोड़ा सा भी टाइम हो रहा है 11:30 का टाइम हो रहा है, और अब हम थोड़ा सा अपने गार्डन में वॉक करेंगे। वॉक करते करते मैं अपनी ये बॉटल फिनिश करूँगी पानी की। और आज मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ है ना, ये देखिए ऊपर से दिखाती हूँ, दिख रहा है, मतलब क्लाउडी है और बारिश आने का जैसे होता है ना, वैसे वाला मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कपड़े धो के डाले थे हमने, वो सूख रहे हैं, और यहाँ से देखो, ये देखो पीछे का, इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। आज फ्राइडे है और फ्राइडे का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था,
कर दिया था आज मॉर्निंग से ही, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद से। और ब्रेकफास्ट तो किया अपने हस्बैंड के बिना, बिकॉज वो यहाँ पर नहीं है, तो मैंने और मिमी ने किया। और ये देखो मिमी कैसे जा रही है। मिमी हाय, हाय बोल दो। हाय गाइस, हाय गाइस। तो हम बस थोड़ी सी ऐसी वॉक कर रही हूँ। सुबह जल्दी उठने का ना ये फ़ायदा होता है कि आपको ना बहुत 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 सारा टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपने घर के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। अगर लेट उठो ना, वही आप 10 11 12 बजे तक उठो, तो वही होता है कि फिर आपको हर चीज़ें बहुत जल्दी में करनी होती, काम सारे हो जाते हैं, लेकिन ना आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता है। तो नाश्ता भी हो गया, सफाइयाँ भी हो गई, नहाना धोना भी हो गया, सब कुछ हो गया, और अभी बज रहे हैं सिर्फ 11:30। ठीक है, तो मैं इसको लेके थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे खाना, जिसमें मैं आज बनाने वाली हूँ बिरयानी। फ्राइडे स्पेशल बिरयानी बनाने वाली हूँ आज, तो मेरी जो स्पेशल रेसिपी है वो भी शेयर कर दूंगी। और पता है इस टाइम ना हमारे लाइट भी चली गई है, मैंने सारी चीज़ें ना कट पीट करके भी रख दी है, कटवट करके रख दी है, सारी वेजिटेबल्स जो भी करनी है। चिकन को मैरिनेशन पे रख दिया है, चिकन मैरिनेट करके रख दिया है मैंने, उसको लगेगा आधा घंटा। तो तब तक हम अपनी वॉक ले लेते हैं। और धूप आ गई, धूप आ गई, धूप आ गई, मम्मी धूप आ गई है ना, चलो आ जाओ, जो मम लगेगा, चलो ना। क्लाउड देखो ऐसे पूरा काला हुआ हुआ है, जैसे धूप में बारिश होती है ना, ऐसे वाला फील हो रहा है। तो ऐसा सा मौसम हुआ है, धूप निकल रही है, फिर घटा हो रही है, मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कुछ इस तरह का मौसम हुआ है। और अभी यहाँ रास्ते में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब हमारे ना तो कोई दिखता ही नहीं है, इस पूरे रास्ते में सुनसान रहता है, ये दिन हो रात हो हर टाइम सुनसान रहता है। सबसे ज़्यादा इस रोड को जो यूज़ करते हैं ना, वो मुझे लगता है मैं और मीमी यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, हम ही लोग चलते हैं यहाँ पे, और मैं तो किसी को देखा ही नहीं है यहाँ पे चलते हुए, यहाँ लोग निकलते ही नहीं अपने घरों से, तो ये चीज़ है। तो मीमी अब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, घर जाना है खाना बनाना बेटे, नहीं बस ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, मैं लॉक नहीं करके आई हूँ, घर पर कोई नहीं है, सब लोग गए हैं मस्जिद, मैं नहीं गई हूँ। हमारे यहाँ जाते हैं लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग। और जावेद तो यहाँ है ही नहीं। हाँ वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, वो बेबी स्कूल गया है बेटा, हाँ स्कूल गया है। तो मैंने लॉक भी नहीं किया, बस ऐसी में आ गई, मैंने सोचा बाहर तक जाएंगे गार्डन में, और ये लड़की मुझे यहाँ तक लेकर आ गई है, मिमी यहाँ तक कितनी दूर लेकर आ गई है मुझे ये। चलो अब चल रहे हैं घर वापस। भैया मिमी तुम बहुत डेंजरस हो यार, बहुत ही डेंजरस हो। देखो गाइस ये मुझे ना कहाँ तक ले आई, ये वॉक करा के ऐसे मैं सर में टॉवल बांध के घर के क्या यार मिमी। हाँ कच्चे बनाना है तो क्या करूँ, कच्चे बनाना किसी काम के नहीं है, कच्चे बनाना, कच्चे बनाना कौन खाता है, कहाँ है कच्चे बनाना, ये है कच्चे बनाना, देखो कच्चे बनाना, कच्चे बनाना, पक्के बनाना, ये कच्चे बनाने वाला। तो गाइज यहाँ पे मेरा मसाला रेडी है बिरयानी के लिए, ठीक है, ये छोंकने के लिए मसाला है जो मैं डालूंगी, ये गार्निशिंग के लिए है, ये अनियन मैं फ्राई करूंगी और ये धनिया ऊपर से गार्निश करूंगी, और ये बिरयानी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं अलग से, और यहाँ पे ना मेरा जो है वो चिकन मैरिनेट हो रहा है, इसको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है मैरिनेशन में, अब मैं इसकी बनाऊंगी बिरयानी। मैं बहुत इजी वाली बिरयानी बनाती हूँ, चिकन मैरिनेट करके बना लो ना, बहुत आसानी से बन जाती है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। तो गाइज मैंने यहाँ पे 1 pot बिरयानी बनाऊंगी, मतलब कुकर में बनाऊंगी मैं बिरयानी, और ये 1 pot मील कह लीजिए, 1 pot बिरयानी कह लीजिए इसको, ये सारी चीज़ें ना मैं एक ही साथ इसमें करके बनाऊंगी। मेरी बहुत ईजी रेसिपी है बिरयानी बनाने की, जो मैं बहुत टाइम से बनाते आ रही हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है ये, एंड इट इज़ वेरी सिमिलर लाइक जो फराह खान बनाती है ना, फराह खान के चैनल पे आपने देखा होगा 1 pot पुलाव वो बनाती है, तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। और ये मेरी अपनी रेसिपी है और मुझे बहुत ही पसंद है, और बहुत झटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा तगड़म नहीं करना पड़ता है इसमें, ठीक है, तो बहुत जल्दी बन जाती है ये। अब मैं मिलती हूँ आपको बिरयानी बनाने के बाद, बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप शूट करके डालती जाऊँगी, बाकी मैं मिलती हूँ आपको बिरयानी बनाने के बाद।
बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो, है ना। आ जा ले जा ले जा ले जा। तो जी आफ्टर थ्री विसल्स मैंने गैस बंद कर दी है और थोड़ी देर स्टीम निकलने के बाद फिर मैंने इसको कुकर के अंदर ही गार्निश कर दिया। जो मैंने अनियन फ्राई की थी ना वो डाल दी है, ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी और इसके ऊपर ना इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर देती हूँ। घी डाल के वापस से इसको बंद कर दूंगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूंगी। अच्छा मैंने इसमें ना फूड कलर नहीं डाला, जो ऑरेंज कलर डालते हैं ना ऑरेंज या रेड, तो हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं खाता मेरे ससुराल में, तो मैं ना फूड कलर इसमें बिरयानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी हो गई है और मैंने ना खाना खा लिया था, मतलब मैं नमाज से पहले खाना खा लिया था क्योंकि मेरा नीचे ऊपर का चक्कर है ना, तो मैं नीचे से खाना वाना खा के फारिग होकर आई थी, फिर ऊपर आके अब मैंने वजू किया है और अब मैं नमाज पढ़ूंगी। अकबर बिछाओ, अल्लाह अकबर बिछाओ जल्दी से पढ़ने के लिए, जल्दी से बिछाओ। कैसे बिछाती है मम्मा अल्लाह अकबर बिछाओ जल्दी से, ऐसे बिछाती है, ठीक से बिछाओ, हेल्प करो मम्मा को जल्दी से। ओ मिमी बिछा दी, दुआ करना है, ठीक है आप दुआ करो, लेकिन हमें इसको ऐसे बिछाना है, ठीक है, हमें ना इसका फेस उधर रखना है, फेस उस साइड करना है, ठीक है। चलो जी रेडी हो गए नमाज के, तो हम नमाज के लिए रेडी हो गए। एक चीज और है जो मैं भूल गई हूँ लगाना, वो है ये इत्र और ये है फ्री फ्रॉम अल्कोहल, मतलब फ्री फ्रॉम अल्कोहल है, दिख रहा है या नहीं पता नहीं, अल्कोहल नहीं, ये होता है अतर। अतर लगाना फ्राइडे के दिन बहुत ज़रूरी है, खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है, हमारे प्रॉफिट की सुन्नत है, प्रॉफिट ज़रूर लगाया करते थे अतर, खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्कोहल नहीं है इसमें और ये वाला अतर मैं लगाऊँगी। हाँ तो पढ़ रहे हैं ना, मैंने क्या लगाऊं, ज्यादा लग गया ज्यादा लग गया। अतर कैमरे का एंगल कहाँ से आ रहा है। तो जी एक और चीज थी जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ लगाना, तो फ्राइडे के दिन ना खुशबू लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं जरूर लगाती हूँ और अब खुशबू लगाऊंगी और फिर हम पढ़ेंगे नमाज, ठीक है। नमाज ठीक करो, इस तरफ बिछानी, हटो साइड हो जाओ, इस तरफ करो, पैर हटा पैर हटा, इस तरफ देखो इधर है रुख, इस तरफ है ना किबले का, ठीक है, पैर हटाओ पैर हटाओ, आप पैर हटाओ, हामी भी पढ़ो अल्लाह अकबर पढ़ो, आ जाओ चलो, ओके चलो रेडी, ऐसे बैठना है बैठ जाओ, जैसे बैठना है वैसे बैठो, नहीं मम्मा नहीं बैठ रही है, चलो चलिए जी नमाज पढ़ते हैं। तो गाइज मेरी YouTube की जर्नी का ना ये बहुत ही रेयर ओकेजन है, बहुत ही रेयर मौका है, जब से मेरी YouTube जर्नी शुरू हुई है इस अक्टूबर में पूरे 2 साल हो जाएंगे और ये बहुत ही रेयर, मतलब इससे पहले कब हुआ है मुझे याद ही नहीं है, हुआ भी है या नहीं हुआ है ये भी मुझे याद नहीं है मेरा, मतलब जिस दिन मैं वीडियो शूट करूं और उसी दिन एडिट करके उसी दिन डाल दूं, ये मेरी YouTube जर्नी में पहली बार होने वाला है। तो मतलब लाइट कम आ रही है यहाँ पे देखो, है ना, रूम मैंने डार्क कर दिया था मिमी के सोने की वजह से, कर्टन्स डाल दिए थे और बस रूम लाइट है, तो अभी बस जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हूँ और बस अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी और मुझे बस पता नहीं क्यों अंदर से मन हो रहा है कि फटाफट से ये वीडियो एडिट करके मैं डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने वॉइस ओवर किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और बहुत दिन से बहुत कोई अच्छा वीडियो डाला भी नहीं था, तो मैं जल्दी से इसको एडिट करूँगी अभी और इसको डाल दूँगी, है ना। और कितना परेशान कर रही थी तुम मुझे जब मैंने अल्लाह अकबर कर रही थी, आप क्यों रो रही थी, आप क्यों रो रही थी, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई मिमी इज क्राइंग, व्हाई मिमी इज क्राइंग, ऐसी क्यों कर रही थी आप, उधर खड़े होकर क्यों रो रही थी आप जब मम्मा अल्लाह अकबर कर रही थी, तो ऐसे नहीं रोते ना बाबू, यहाँ पे सब लोग देखेंगे मिमी रोती है, मम्मा अल्लाह अकबर करती है मिमी रोती है।
अच्छा जी, ये जो खूबसूरत सी तस्बीह आप देख रहे हैं ना, ये आज मैं नमाज के बाद बस इसी पे दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगी, इस्तग़फ़ार पढ़ूंगी, दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। और ये तस्बीह ना जब मैं दिल्ली में थी मेरी अम्मी ने मुझे दिलवाई थी और मेरे दिल के बहुत करीब है ये तस्बीह, और मैं इंशाल्लाह इसी के ऊपर अपनी इबादत करूंगी अब नमाज के बाद। मेरे पास तस्बीहों का ना बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारी तस्बीह, मुझे बहुत शौक है तस्बीहाँ कलेक्ट करने का अच्छी अच्छी। और यहाँ पर मैं और मिमी खा रहे हैं किटकैट चॉकलेट जो कल हमारी एक गेस्ट आई थी वो लेकर आई थी, और अब मैं बनाऊंगी नमाज के बाद, मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए मिंट चाय बनाऊंगी मैं, ठीक है। टाइम हो रहा है अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के, और मैं बनाऊंगी मिंट चाय। ये एक तरह से फैट लॉस टी भी है, और ये मिंट चाय ना मुझसे अच्छा कोई नहीं बनाता है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम में, देखना मत भूलिएगा। इस चाय का ना कोई जवाब नहीं है, और मेरे से अच्छा नहीं कोई बना नहीं सकता कोई मेरे से अच्छा नहीं बना सकता, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कोई मेरे से अच्छा नहीं लगाए बना सकता है। ये आवाज़ गूंज रही है, अभी मैंने विंडो सब बंद की है एसी चलाने के लिए, और एक तरह से फैट लॉस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें चीनी कुछ नहीं डाली मैंने, एक छोटा सा पीस ब्राउन शुगर का डाला है बस। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मीमी एंड मम्मा व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। रैबिट से खेल रही है, डुडू पी रही है, डुडू है, डुडू पी रही है। बाय बाय बोल दो, बाय बाय गाइस।